गाइस यहाँ पे ऊंट की सवारी भी हो रही है और मेरे तो गाइस पहली बार एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे। जबरदस्त गाइस, मजा आ गया। आप सब गाइस बढ़िया होंगे। गाइस आज ये मेरा ब्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है और आज मैं जाने वाला, आप थंबनेल में देख ही लेंगे, तो मैं जाने वाला हूँ टनकपुर के मेले, जो दशहरे का मेला लगा बहुत तगड़ा। गाइस इतना तगड़ा मेला लगा है कि गाइस आगे देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और ऐसी वीडियो बने रहे और आपको दिखाता हूँ कितना तगड़ा मेला लगा है। और चलते हैं सीधे आगे, मेरा फ्रेंड रुका हुआ है, उसको पिकअप करना है, जो दीपक है उसको पिकअप करता हूँ, सीधे मिलते हैं आगे मेले में। तो मैं भी पहुंच चुका हूं, मेरा फ्रेंड दीपक है। गाइस हम लोग जा रहे हैं, आज बहुत तबाही मेला लगा है और बहुत तबाही होने वाली है वहां। गाइस तो भाई देखिए कहते दशहरा कैसा होता है हमारे यहाँ का। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अभी पूरा ब्लॉग बाकी, गाइस पूरा ब्लॉग देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आगे। फाइनली पहुंच चुके हैं टनकपुर मार्केट में और अभी आपने देखी होगी कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आपको आवाज़ नहीं आ सकती मेरी आने वाले टाइम में, अगर मैं अंदर जाकर दिखाऊंगा ब्लॉग तो गाइस आप प्लीज़ बने रहें और आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे अंदर हुआ है। और जितना मैंने सुना गाइस बहुत ज़्यादा तबाही होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। आवाज भी आएगी नहीं आएगी बतानी हमारी आवाज आ जाएगी। अच्छा हाँ, शोर नहीं है यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे और कितनी ज्यादा खतरनाक सीन हो रहा है यहाँ पे, तबाही मची हुई है, मतलब मजा आ रहा है। अब हम आपको मिलाएंगे चंपावत का फेमस फालूदा, तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं आगे। फालूदा पहले घुमाएंगे गाइस, ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, हम पहले घुमाएंगे आपको पूरा मेला उसके बाद। और गाइस देखो क्या मैं जो बोलूंगा ये वो खिलाएगा मुझे आज का। गाइस खिलाएंगे लेकिन थोड़ा आराम से, अभी टाइम है उसमें। बीच का झूले में बैठते हैं, झूले के बारे में दिखाते हैं, झूले बताते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे रावण बना रखा है जो आज दशहरे के दिन फूकने वाले हैं, अभी जलाएंगे गाइस इसे, बहुत तगड़ा लगेगा गाइस। देखो बताओ गाइस अभी हम आए आइसक्रीम खाने पे, भाई पे आइसक्रीम खा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अभी ले लेना शॉर्ट, उसके शॉर्ट दो भैया दो। तो भैया हमारे यहाँ पे सॉफ्टी वाले हैं जो अभी हमें, जो ये मजा है ना ठंड में, ठंड में ठंड खाने का आराम से बकरे, उनको भी ज्यादा से मजा आ रहा है। देखिए गाइस हमारे पीछे कितना तगड़ा माहौल बना हुआ है। कि कैसा आप लग रहा है यहाँ पे देखने का ब्लॉग में, क्योंकि हमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जो यहाँ पे चंपावत के विधायक हैं गाइस वो आए हुए हैं यहाँ पे और उनका कुछ चल रहा है आगे, आपको क्या ही दिखाया आपने तो देखी होंगे। गाइस पॉलिटिक्स में अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको इंटरेस्ट है वो देख ले। तो गाइस अभी हम यहाँ पे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, इतनी चीजें यहाँ पे चीजें क्या करें, क्या करें, भाई क्या करें और आगे दिखाते रहे, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया गाइस यहाँ पे।
बड़ा फील्ड है और इतने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे और मेरी आवाज भी बहुत कम आ रही है, क्योंकि हम जोर जोर से बोल रहे हैं हमारी आवाज आ जाएगी करके। हेलो गाइस, देखो गाइस हमारे सब्सक्राइबर हैं। ऊँट की सवारी भी हो रही है और मेले तो गाइस पहली बार एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे ऊँट की सवारी करना। गाइस देखिए यहाँ पे वैसे बैठे हुए बच्चे और यहाँ पे अभी हम ऊँट की सवारी करने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप अभी कितना मजा आ रहा है, मेरा दोस्त चले गया ऊपर, अभी मैं भी जाने वाला हूँ और हम जाने वाले हैं आज ऊँट की सवारी में और आपको दिखा दे कितना मजा आ रहा है गाइस यहाँ पे। बिल्कुल तबाही हो रहा है गाइस, तबाही। तो गाइस चल रहे हैं ऊपर, अभी ऊँट के ऊपर बैठे हैं। तो गाइस अभी ऊपर आ गए हैं, अभी ऊँट के ऊपर बैठते हैं और ये हमारे ऊँट भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए गाइस और यहाँ से कितना तगड़ा नज़ारा दिख रहा है जो आज की हमारी राइड होने वाली है, नेक्स्ट लेवल की। तो आज गाइस जो हमारी राइड में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ गाइस मैं तो ऊँट में बैठने, और आपने कराया कि नहीं कराया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भाई तो हमारे जा रहे हैं, अभी दूसरे आएंगे उसमें जाएंगे हम दुबई के मजे दे। आ गए ये दुबई में जो मजा था हम यहीं लेंगे। ओह माय गॉड गाइस कितना ज़्यादा मजा आ रहा है, इसको नीचे से बनाया जाता और ज़्यादा मजा आता। तो भाई जेब में फंस गया। तो गाइस ये चल रहा है ऊँट, अबे मेरा फोन बज गया बे, अबे जल्दी अब निकल गया। तो गाइस इतना ज्यादा मजा आ रहा है क्या ही बताएं आपको, कतई बिल्कुल यहाँ पे दुबई के मजे आ रहे हैं ऊँट में बैठने में। यस यस। तो गाइस ये देखिए हमारा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा, काफी अलग एक्सपीरियंस। ये गाड़ी में बैठे हैं, कई चीजों में बैठे हैं, लेकिन हम ऊँट में कहाँ आए। तो गाइस आज हमारा पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम हम ऊँट में बैठे हैं और हमें काफी ये समझ रहे कि गाइस पूरा पूरा एक मंजिला है, इतनी हाइट होगी इस ऊँट की और हमें काफी डर लग रहा है। ये ऐसे हिल भी रहा है, घूम रहे हैं, या किसी को पौधे के नीचे बनवाते बड़ा मजा आता है यार। तो गाइस ये हमारा खत्म होने वाला है, बहुत छोटा था गाइस लेकिन मजा बहुत आ रहा है गाइस ऊँट में बैठने में। काश ये गाइस ये राइड और लंबी हो पाती हमारी। ये पहुंचने वाला है हम। तो गाइस देख सकते हमारा ऊँट और गाइस यहाँ पे लाइन से अपने आप अपनी जगह पे आ रहे हैं। तो गाइस हमें ऊँट में से हमें दिख रही है बहुत लड़कियाँ, यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं हमारे, और हमारे पीछे हमारा दोस्त बैठा है दीपक भाई, कैसा लग रहा है बताओ। बहुत बढ़िया, हमें आके एकदम ऑसम फील आ रहा है, मजा आ गया इस राइड में तो सबसे ज्यादा मजा। तो गाइस आप लोगों को एक बार आना चाहिए, मैं तो कहूँगा ऊँट ना भी करो तो ऊँट की सवारी एक बार करके देखिए आपको बहुत पहला एक्सपीरियंस ऊँट में भाई, और एक अलग ही तरीके की मसाज मिल रही है हमें गाइस, मजा आ रहा है। हमारा तो बहुत ज्यादा मजा आया ऊँट में बैठे गाइस, आप बैठने बैठे हैं हमारा बहुत ऑसम एक्सपीरियंस रहा। और गाइस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सही हो रहा है यहाँ का सीन शॉट और लोग हमें देख रहे हैं सही लोगों। हाँ देखो बहुत सब बढ़िया, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया भैया यहाँ पे तुम्हारा ब्लॉग बना रहे हैं हम। तो देखो कितनी छोटी उम्र में यहाँ पे भैया तो भैया काम काम कर रहे हैं, बताइए। दो दाल पड़ती है, भुजिया पड़ती है और खट्टी मीठी चटनी पड़ती है। अच्छा ये क्या क्या पड़ता है? दाल पड़ती है, सादी वाली चटनी पड़ती है और भुजिया पड़ती है, ये खट्टी वाली है और ये मीठी वाली है। तो गाइस मेरे तो मुँह में अभी भी से पानी आ गया है, तो भैया बना के देंगे आगे देखते हैं कितना बढ़िया होता है, तो मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करके। तो ये हमारी बननी है अभी जी, भैया बना रहे हैं हमारे लिए। तो ये चटनी पड़ चुकी है इसमें और इन्हें अपना जादू वाला हाथ घुमा दिया इसमें अपना, भाई की स्माइल हो गई, प्यारी स्माइल है। दिल से जो इसमें प्यार जा रहा है ना इनका, वही इसका टेस्ट बनाता है गाइस, क्योंकि भेलपुरी तो बहुत लोग बनाते हैं। हाँ जी भाई आप कुछ कहना जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ गाइस भेलपुरी तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ये जो बना रहे हैं ये इनका जो ये ऐसे घुमाते हैं ना, जो इनका दिल से ये इनका प्यार जाता है। ओह माय गॉड, हाथों में रस्ते दिल के प्यार, दिल की नसें जुड़ी हुई हैं। बस बस गाइस जो इनका प्यार जाता है ना वो इनका बेस्ट बनाता है। तो गाइस ये बन गई है भेलपुरी हमारी। तो गाइस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसी होती है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है।
गाइस एकदम क्रंची और क्रिस्पी और इसका खट्टा मीठा टेस्ट है गाइस, बहुत ही लाजवाब है। अभी हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं नाम इसका, बेलपुरी। बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं हम नंबर बेलपुरी का, मजा आ रहा है, तबाही बनाने तबाही भाई। ये भेलपुरी और गाइस बहुत ज़्यादा मजा आया खाने में, और भाई वो हमारा भाई यहाँ का नहीं था, वो लखनऊ का था गाइस, और वो लखनऊ से यहाँ आया था सिर्फ मेले में, और गाइस इसलिए लखनऊ चले जाएगा, बता रहा था कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लखनऊ चले जाऊँगा। और ये हमारे यहाँ पे हम ऐसी अच्छी अच्छी यहाँ पे सोडा साहब की इनकी वैन है, और गाइस ये सोडा साहब की वैन चलाते हैं, और इनका है ये इनका ही है गाइस, 20 रुपये गिलास है गाइस, इनने तबाही मचा रखी है आप दादा। सोडा साहब मेरे तो पूरा गले भर गया गाइस, मज़ा तो नहीं आ रहा, पैसे बहुत थे क्योंकि हमारे तो 10 रुपये का मिलता है, यहाँ 20 का दे रहे हैं, फिर भी हमने पी लिया। अभी हम चलते हैं, अब फिलहाल गोला, तो गाइस अभी हम खाने वाले हैं गोला, फेमस बर्फ का गोला। भैया क्या दे रहे हैं आप? बर्फ का गोला। बर्फ का गोला, तो गाइस बर्फ का गोला दे रहे हैं भैया हमारे। तो गाइस ये होती है फिल्टर, फिल्टर पानी का बनाते हैं। तो गाइस ये दिख रहा है, ये निकाल लें, डायमंड आइस, इससे गला खराब नहीं होता बिल्कुल का। तो भाई देख सकते हैं आप यहाँ पे बर्फ का गोला इन्हें बना दिया है, उसमें डाल रहे हैं फ्लेवर, ये डाला नमक, ये डाला फ्लेवर, अरे कलर देखिए तो तगड़ा रहा है इसमें। अब ये कौन सा फ्लेवर है, क्या बोला गाइस, खाने में मज़ा आ जाने वाला है आज हमें। ये हमारे बनके तैयार हो चुके हैं गाइस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है गोला खाने में, मेरे तो फेवरेट है ये बर्फ का गोला, जबरदस्त गाइस मज़ा आ गया। Picking up, you finding escapes. I might have to wipe you out just like you Colgate. You've been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down, I'ma turn your little smile. हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप भी ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं गाइस अपने जगहों में, जैसे आपके आसपास जहाँ भी ऐसा मेला वेला लगता है, आजकल रामलीला का तो सबके वहाँ सीजन चल रहा है ना, हमारे उत्तराखंड में तो रामलीला लगती लगती है गाइस। अगर ये मेरे आउट ऑफ उत्तराखंड वाले देख रहे होंगे तो बात अलग है, लेकिन उत्तराखंड में रामलीला होती होती है, अगर आपकी जहाँ भी आप रहते हैं अगर वहाँ होती है तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कहाँ रहते हैं और वहाँ कैसी रामलीला होती है। हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, ये रामलीला के साथ यहाँ दशहरे का मेला, हालत खराब हो चुकी है गाइस, और ये देखो सब देख रहे हैं हमें ऐसे, हाई देखो गाइस, ये यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है, मज़ा आ रहा है देखो अंकल को, मज़ा आ रहा है ना अंकल, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच। आप भी जुड़े थे यूट्यूब में, ठीक है, गोल्डी ब्लॉग्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा, गोल्डी ब्लॉग्स ऑफिशियल, ठीक है।
देखना, उसमें तुम भी आओगे, ठीक है? हाँ तुम्हें ले लेते, तुम भी आओगे यूट्यूब में और अपने फैमिली फ्रेंड दोस्तों को सबको शेयर करना, ठीक है? सब्सक्राइब भी करना है। मेरा दिखा दिया आपको और दशहरे का पूरा मजा ले लिया गाइस, और आपने भी ब्लॉग देख के पूरा मजा ले लिया हो ये मैं जरूर जानता हूँ। और गाइस जिसने मजा नहीं लिया, वो जिसने ब्लॉग पूरा अच्छे से नहीं देखा तो दोबारा देखे, और गाइस इतना ज़्यादा मजा आया और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी है गाइस हमने, और इतना ज़्यादा जो हमारे सबसे ज़्यादा मस्त एक्सपीरियंस था गाइस जो ऊंट वन, और गाइस जिस जिसने भी एक बहुत ही ज़्यादा मजा आया गाइस। और ब्लॉग अच्छा लगा तो गाइस लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चलिए बाय।